हम बात कर रहे हैं एनसीसी की। आज के दिन की बात करें तो एनसीसी में फ़िलहाल हमको 2% के ऊपर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इस गिरावट के साथ हम देख सकते हैं स्टॉक 330.20 रुपीज़ पर फिलहाल ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक कुछ दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड करता नज़र आ रहा है। 320 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, जंप आ रहा है तो 340 के लेवल पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। न ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है और न ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है, एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट 230 के लेवल से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है, 340 तक के टारगेट दिखाए, अप ट्रेंड में स्टॉक और अप ट्रेंड में अपने ऊपर की ओर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। 240 का लेवल जो इसका रेजिस्टेंस है वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही, इसी के आसपास स्टॉक सस्टेन हो रहा है। 340 के लेवल से रिजेक्शन ले रहा है तो बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा है, आसपास ही सस्टेन हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में फिर ब्रेकआउट के चांस यहाँ बनेंगे, स्टॉक ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है क्योंकि स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है और अपने हाई के आसपास सस्टेन हो रहा है, ब्रेकडाउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो स्टॉक जब तक अब 320 के ऊपर है, ये जो इसका लो है हम मोटा मोटा 314-315 का लेवल मान के चलते हैं, इसके ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस स्टॉक में बने हुए हैं। तो अब यहाँ से इमीडिएट टारगेट रहेगा 340 का लेवल। जैसे कि हम चार्ट पैटर्न पर देख सकते हैं स्टॉक मल्टीपल स्टैम्प टेस्ट कर चुका है, तो इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार है। अभी हमको ब्रेकआउट किया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, तो ब्रेकआउट करके 340 का लेवल ब्रेकआउट करके एटलीस्ट क्लोजिंग भी इसके ऊपर मिल जाती है तो उसके बाद एनसीसी यहां से और बड़ी तेज़ी दिखा सकता है और बड़ा अपसाइड फिर एनसीसी में देखने के लिए मिल सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 350 और इस बाउंस बैक के साथ 360 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है, यहां तक के टारगेट फिर स्टॉक में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।